सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। अज पंजाब लई बड़ा इतिहासिक दिन है जदों असीं दिल्ली सरकार नाल नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट किया, यानी कि जानकारी का आदान प्रदान। दिल्ली कोल जिहड़ियां जानकारियां ने उह असीं पंजाब दे विच लागू करांगे। पंजाब दे कोले जिहड़ियां चीज़ां च पंजाब अगे है वह दिल्ली सरकार अपने उत्थे लागू कर लूगी, जिवें कि स्कूल ते हस्पताल। दिल्ली दे विच इन्ने वधिया सरकारी हस्पताल ने कि पता ही नहीं लगता कि तुसी प्राइवेट हस्पताल चो जां सरकारी चो। और सरकारी हस्पतालां दे विच जनरल वार्ड जिहड़ा है वह जिहड़ा ICU वार्ड है उहदे नूं भी ज़्यादा तकनीकी तौर पर लैस है, और सारे ऑपरेशन सब टेस्ट फ्री ने, बिल्कुल साफ सफाई एन लिशकते पे ने हस्पताल। इस तरह ही सरकारी स्कूलों का हाल, सरकारी स्कूल इन्ने वधिया ने कि तुहानू पता ही नहीं लगता तुसी प्राइवेट स्कूल चो जां सरकारी चो। और एडवांस टेक्नोलॉजी नाल पढ़ाया जा रहा है, और हरेक क्लास के विचों बच्चे कह रहे हैं मैं डॉक्टर बनना है, मैं नीट दे विच जाना है, मैं JEE जाना है। और बच्चे किहड़े ने, बिल्कुल आम घर दे, कोई टेलर मास्टर का बेटा है, किसी का पिता जी प्रेस करता है, कपड़े प्रेस करता है, किसी का बस के ड्राइवर है, कल असी पुछते भी रहे हैं। सो जदों वो बच्चे पढ़ के अपने घर की गरीबी नूं खत्म करनगे, उस वेले इन्हां स्कूलों की याद आऊगी लोगों नूं। सो असी भी पंजाब दे सरकारी स्कूलों नूं इन्ने वधिया बनाउणे चाहुंदे आ कि उहदे विच पढ़ के गरीबां दे बच्चे, आम घरां दे बच्चे अफसर बनन ते उह घरां दीआं गरीबियां चक्कण, गरीबियां खत्म करन। इस तरह ही हस्पताल जिहड़े ने सरकारी, जिते हुण जाण तों असीं डरदे हाँ क्योंकि डॉक्टर तां हैगे ने पर मशीनां है नहीं, लैब है नहीं, जिहड़ियां MRI दीआं मशीनां ने उहनां 'च कबूतरां दे आलणे ने। सो असी सारा कुछ ठीक करके असी बड़ी जल्दी लोगों नूं वर्ल्ड क्लास पंजाब के लोगों नूं इलाज मिलेगा और बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये जानकारियां असी आदान प्रदान करनियां ने। और सब तो वड्डी गल इह है कि दिल्ली सरकार ने कम करके दिखाता। दिल्ली सरकार कोले 1000 तो वध स्कूल ने, 18 लाख बच्चा पढ़ता उत्थे, ते पंजाब सरकार कोले 19,100 तो वध स्कूल ने, सरकारी स्कूल 23 लाख बच्चा पढ़ता। दिल्ली सरकार दे विच जिहड़े स्कूल ने उत्थे बड़े बड़े वकीलों दे, सुप्रीम कोर्ट दे वकीलों दे, अफसरां दे बच्चे जिहड़े ने वो प्राइवेट स्कूलों चों हट के सरकारी स्कूलों च पढ़ाई करन लई आ रहे ने। इहदा मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। और देश किते भी चंगा होवे असीं सिख लांगे, साडा पंजाब दोबारा पंजाब बनना चाहिए बस। और मैनू दुख है कि विरोधी पार्टियां जिहड़ियां ने वो ये तो भी सवाल चक्की जांदियां ने कि जी दिल्ली क्यों चले गए, ये दिल्ली क्यों चले गए, ये हुण दिल्ली चलाओ, दिल्ली क्यों चलाओ। पंजाब की सरकार है, लोगों की चुनी हुई सरकार है, बहुत बड़े फतवे नाल सरकार बनी है। तो पंजाब दे विच जे कोई वधिया चीज़ लैके आने वास्ते सानू इटली भी जाना पै जाए, उत्थे भी जा आवांगे। मेरे ख्याल से सुखबीर बादल कुछ कह रहे सी, मैं सुखबीर बादल जी नूं कहना यह तुसीं फर्जी जिहड़े डाकूमेंट जे जारी कर रहे हो ये बहुत दुखदायक तो शर्मनाक है। पंजाब की तरक्की हो लैन दो, जे तुसीं कुछ कीता हुंदा चजदा तां दिन देखने ना पैंदे। ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है, इनू पढ़न वास्ते नॉलेज चाहिए है, और लिटल नॉलेज इज़ टू डेंजरस, घट जानकारी बहुत खतरनाक हुंदी है। विरोध करने वास्ते विरोध ना करो। तुसीं भी चाइना गए सी सुखबीर जी कि बि पराली तो बिजली किवें बनती है, वो सीखने वास्ते बहुत सारे अफसर की फौज के नाल गई सी, फिर तुहाडी सरकार नूं चाइना चला रहा सी। इजराइल गए सी, तुहाडी सरकार नूं इजराइल चला रहा सी। तुहाडे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने ओंटारियो नाल एग्रीमेंट किए हुए ने कनेडा च, तो फिर ओंटारियो चला रहा सी उस वेले सरकार नूं। तो दूजे कांग्रेस वाले मेरे ख्याल विरोध कर रहे सी, भाजपा साहब अपनी विड़ी थले सोटा फेरो, तुहाडे अपने मुख्यमंत्री दे घरें 4.5 साल विदेशी मेहमान चीफ सैकटरी लाउंदे सी, विदेशी मेहमान SSP लाउंदे सी, विदेशी मेहमान DGP लाउंदे सी, तुसीं चिट्ठियां लिखदे रह गए, बाद च उहनां नाल तुसीं लंच डिनर करदे पाए गए, अलग गल है। सो तुसीं पंजाब दी तरक्की हो लैण दो,
हर गल ते विरोध ना करो, हर गल चो गल कढ के भी मैं अज टीवी ते किवें आवां ये ना करो। नवजोत सिद्धू जी वो करी जांदे ने कहिंदे बिजली दा दे पुसा उत्ते रद्द क्यों नहीं कीते। सिद्धू साहब तुहानू बिजली मंत्री बनाउंदे सी तुसीं तां भज गए, उदों तुसीं बिजली मंत्री बन के कर देंदे, असीं तां करांगे करांगे तुहानू बड़ी जल्दी खुशखबरी मिलेगी, पर तुसीं बाहर होवोंगे क्योंकि तुसीं विधानसभा च तां है नहीं, उत्थे लैके आवांगे असीं हुण एक कानून दे विसोध जिहड़ी है। ते नाले तुसीं अपने आप नूं पहलां मानता प्राप्त तां करवा लो, मंजूर शुदा तां करवा लो। तुहाडा कल दा जिहड़ा धरना सी किते राजपुरे ते थर्मल प्लांट दे मूहरे कोई 20-25 बंदे लई बैठे सी, तुसीं मैनूं गालां कढ़ी जांदे सी, उहनूं राजा बड़ी कहिंदा कांग्रेस दा धरनी नहीं सी, तां सिद्धू अपने बंदे आप लई फिरदा। पहलां कांग्रेस तों ना मानता प्राप्त हो जाओ, फिर विरोध कर लिओ। जे कोई चंगा काम करदा उहनूं कर लैण दो। साडा दिलों पंजाब नाल प्यार है, दिलों पंजाब नाल जुड़े हुए हां, पंजाब दी मिट्टी साडे रोम रोम च बसी हुई है, पंजाब दा अन्न खांदे आ, पंजाब दा पानी पीने आ, पंजाब नाल कदे धोखा नहीं करांगे, नीयतां साफ ने। सो इस करके मैं पंजाब दे लोकां नूं इह वादा करदा आउण वाले दिनां च तुहाडे बच्चे बहुत वधिया स्कूलां च पढ़नगे, आउण वाले दिनां च तुहाडे बजुर्गां दा इलाज बहुत शानदार हस्पतालां च होऊगा, आउण वाले दिनां च बिजली तुहानूं मुफ्त वांगू मिलेगी, जीरो बिल आया करनगे, खेती नूं भी ठीक करना है, इंडस्ट्री नूं भी बुलाउणा है, बेरोज़गारी दूर करनी, आने वाले दिनों तुहानूं बहुत वड्डी वड्डी खुशखबरियां देवांगे। काम करन दा विरोधी पार्टियों नूं मैं कहना कि टाइम दे दो, लोग भी यही कह रहे हैं तुहानूं कि घट्टो घट तुसीं हुण तक 25 साल कांग्रेस ने राज कीता, 19 साल अकालियां ने कीता, 44 साल हो गए, 44 साल तुसीं कुछ नहीं कर सकते, साढ़े हजे 44 दिन भी नहीं हुए। सो इस करके मैं कहना कि साडी नीयत बिल्कुल साफ है, चंगी चीज़ सीखने लिए सानू जिथे भी मर्जी जाना पे असी जावांगे, पर उन्हूं असी पंजाब च लागू करके दिखावांगे, असी कल्ले सैर सपाटे लिए किसी देश च जां किसी सूबे च नहीं जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल जी।